हेलो गाइस, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने जियो फोन में जिसका मॉडल नंबर है F120B, इसमें आप कैसे ओमनी एससी को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो पहले आप इन सभी फाइल्स को इंस्टॉल कर लीजिए, और सबसे पहले आप ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर लीजिए, और QPST सॉफ्टवेयर और क्वालकॉम ड्राइवर। इंस्टॉल हो रहा है मिनिमम ADB एंड फास्ट बूट डिवाइसेस को भी इंस्टॉल कर लीजिए। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आप जब इसे इंस्टॉल करेंगे तो आपका डेटा जो रहेगा वो डिलीट हो जाएगा, इसलिए आप अपने फ़ोन का बैकअप कर लें और इसे दूसरे डिवाइस पर मत करें, क्योंकि आप इससे आपका डिवाइस ब्रेक भी हो सकता है। इसके अलावा दो फोन्स के और मॉडल्स के भी ये इसका ओमनी एससी बन चुका है, डाउनग्रेड करके हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको ऑटो अपडेट को ब्लॉक करके। तो बाकी दो जो मॉडल के हैं वो techforest.in पर हैं, वहाँ पर आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा ट्यूटोरियल बताया है कैसे करना है, और उसी के बेसिस पे मैं भी वही कर रहा हूँ जिससे कि आपको वीडियो ज़्यादा समझ में आए। तो सबका पासवर्ड techforest.in है। तो हमें चार फाइल्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इसमें एक डाउनग्रेडिंग रोम है और एक ADB रूट फाइल्स और बिल्ड फाइल एंड इनेबल स्टफ ऐप। सबसे पहले हमें बिल्ड फाइल ओरिजिनल वाले रोम में डिलीट करनी है और जो दिया गया है उसको वहाँ पे पेस्ट करना है। तो सबसे पहले हम एक रोम के अंदर जाएंगे, इमेजेस बिल्ड को डिलीट कर देंगे, हम राइट क्लिक करेंगे फिर डिलीट। उसके बाद हम बैक जाएंगे, उसको कॉपी करेंगे, इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसका भी वही पासवर्ड है techforest.in, और ये हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया। अब ये जो बिल्ड फोल्डर है इसको हम कॉपी करिए, फिर कट करिए, जो भी करना है वो करिए, फिर वहाँ जाके हम पेस्ट कर देंगे जहाँ हमने डिलीट किया था। ये हमारा बूट इमेजेस, और यहाँ पे हमें पेस्ट कर देना है। इसके बाद हमें रिकवरी और बूट डॉट इमेज फाइल को रिप्लेस करना है, जो कि ADBN रूट फाइल जो कि मैंने डाउनलोड की है उसमें है। ये हमारा ADBN रूट फाइल, ये दोनों फाइल्स हैं boot.image एंड recovery.image। इसको हम जाएंगे ओरिजिनल रोम में, फिर ये इसके बाद हम जाएंगे लिनक्स, ये हम गए लिनक्स एंड्रॉइड आउट टारगेट प्रोडक्ट SMM, फिर यहाँ पे आपको पेस्ट और रिप्लेस कर देना है। रिप्लेस पे दबाना है, क्लिक करना है और रिप्लेस हो गया। अभी हमारा रोम हो गया है, अब हमें इसे वहाँ पे कॉपी करना है QPST वाले फोल्डर में।
जो कि हमने अभी इंस्टॉल किया था। अब इस रोम को हम कट करेंगे और वहां पेस्ट कर देंगे। ये हमने किया कट। ये गेम सी प्रोग्राम फाइल्स क्वालकॉम QPST, आपको बस यही पे पेस्ट कर देना है। बस यही पे आप पेस्ट कर दीजिए, ये हमारा तुरंत हो जाएगा। इसके बाद हमें QFIL फ्लैश टूल को ओपन करना है। ये हम गए बिन पे में नहीं जाना, ये है हमारा इस वाले पिन QPST वाले पिन में, ये हम गए। इसके बाद नीचे जाएंगे तो QFIL.exe होगा, उसको ओपन करना है। ये हमारा ओपन हो गया। अब इसमें आप मेटा बिल्ड सिलेक्ट करें, इसके बाद लोड कंटेंट पे क्लिक करें। इसके बाद जहां हमने रखा था फोल्डर को, रोम को जो कि हमने भी मॉडिफाई किया, उसमें हमें जाना है। ये है हमारा मॉडिफाइड रोम, इसको ओपन करेंगे। ये है हमारा contents.xml, इसको ओपन कर देना है। अब इसके बाद हमें अपने फोन को स्विच ऑफ कर देना है, और स्विच ऑफ करने के बाद स्टार एंड हैश को एक साथ दबाना है, और दबाए रखते हुए हमें कंप्यूटर से जो USB लगा रहेगा उसको हम कनेक्ट करेंगे। ये हमारा हो गया फोन स्विच ऑफ। हमें अब हमें डाउनलोड पे क्लिक करना है, हमें स्टार और हैश को एक साथ दबाना है, और जो चार्जर वाला USB होता है उसे कनेक्ट करना है दबाए रखते हुए। फिर डिटेक्ट हो जाएगा पोर्ट में, फिर फ्लैश कर देना है। और ये देखिए हमारा फ्लैश कंप्लीट हो गया। मैंने वीडियो को तेज कर दिया था जिससे आपको देर तक ना देखना पड़े। अब हमारा डाउनग्रेडेड रोम इंस्टॉल हो गया है। अब हम उसमें OmniSD को इंस्टॉल करेंगे। ये हमारा OmniSD वाला फोल्डर, इसमें हम अंदर जाएंगे। ये है, इसको भी मॉडिफाई करना है। इसमें कुछ फाइल्स को अभी पेस्ट करना है। पहले तो हम लोडर फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे। QPST यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे OmniSD फाइल को। हमारी OmniSD फाइल पेस्ट हो गई। अब हम लोडर फाइल्स इसमें रिप्लेस करेंगे। ये हमने लोडर्स
फोल्डर को फाइल को पहले से ही एक्सट्रैक्ट कर लिया था। अब इसे हम कॉपी करेंगे, अब जाएंगे सी प्रोग्राम फाइल्स, उसके बाद क्वालकॉम क्यूपीएसटी, उसके बाद ओमनीएसडी वाला फोल्डर जो कि हमने अभी कॉपी किया था, इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे और रिप्लेस पर क्लिक कर देंगे। इसको आप इस टूल को आप बंद कर दीजिए और एक बार और खोलिए। इसके बाद आप उसमें रेड बिल्ड को सिलेक्ट करेंगे, फ्लैट। इसके बाद हम ओमनीएसडी वाले फोल्डर में जाएंगे जो कि अभी अभी हमने मॉडिफाई किया था, और उसमें जो सबसे पहली फाइल रहेगी फायर हॉर्स TDR आखिरी में, वो वाली हम सिलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे। और उसके बाद लोड XML में पहली जो फाइल आएंगी उसको हम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको होने में, बहुत जल्दी होता है। अब हमारा ओमनीएसडी इंस्टॉल हो गया है। इसके बाद हमें अपने मोबाइल को स्विच ऑन कर लेना है। इसको ऑन होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये हमारा खुल गया फोन। अब हमें इसमें अपडेट्स को ब्लॉक करना है, जिससे कि ये अपने आप लेटेस्ट वर्जन ना हो जाए, नहीं तो हम लोग ओमनीएसडी को यूज़ नहीं कर पाएंगे। हम डिवाइस में और इनेबल कर देंगे USB स्टोरेज को। हमें इनेबल स्टेप जिप को कॉपी करना है और हमें अपने फ़ोन को कनेक्ट कर लेना है। और ये हमारा फ़ोन आ गया है। इसमें हम एक नया फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम रहेगा डाउनलोड्स। ये हो गया हमारा फोल्डर। अब इसी के अंदर हम जो हमने फाइल कॉपी की थी उसे पेस्ट कर देंगे, जो कि है इनेबल स्टेप। अब हम अपने फ़ोन में जाएंगे ओमनीएसडी में, फिर इंस्टॉल करेंगे इसको। हमारा इंस्टॉल हो गया। अब हमें इनेबल स्टफ को ऑन करना है, मतलब कि ओपन करना है। ये हो गया हमारा इनेबल स्टफ, खुल गया। इसके बाद हमें जाना है सेटिंग्स में, फिर डिवाइस डेवलपर, इसके बाद डीबगर। और डीबगर में आने के बाद हमें उसी पे क्लिक करना है और इनेबल ABP एंड डेव टूल्स को ऑन कर देना है। अब हमें अपने जियो फोन को फिर से कनेक्ट कर लेना है USB से। और अपने PC में मिनिमल ADB एंड फास्ट बूट डिवाइसेस को ओपन करना है। इसे आप डेस्कटॉप के शॉर्टकट से भी खोल सकते हैं, पर मैं इसे मैन्युअली खोल रहा हूँ। ये हमारा खुल गया pmdhair.txt, ये हमारा खुल गया है। अब हमें यहाँ डालना है ADB डिवाइसेस,
इसमें आपको एक डिवाइस बताएगा। इसके बाद इस फर्स्ट कमांड को हमें कॉपी करना है और इसे पेस्ट करके राइट क्लिक करके पेस्ट करके इंटर दबाना है। ये हमारा हो गया पहला कमांड। अब हम सेकेंड कमांड को कॉपी करेंगे। ये हमारा सेकेंड कमांड, इसको हमने किया कॉपी, राइट क्लिक करेंगे पेस्ट हो जाएगा, उसके बाद इंटर दबा देंगे। अब इसमें यहाँ हम टाइप करेंगे एडीबी रूट टी बूट, उसके बाद हमारा जो फ़ोन है वो रिस्टार्ट होगा। अगर आपका फ़ोन रिस्टार्ट होता है तो आपका सभी चीज़ें सही से हो गई हैं। अब आप बिना चिंता करे हुए ओमनी एक्सपीरियंस को यूज़ कर सकते हैं। अब ना ही कोई अपडेट आएगा तो हमने इसे ब्लॉक कर दिया। अब हम जाएंगे सेटिंग्स में। और इसमें बताएगा कि नेटवर्क कर रहा है क्योंकि हमने ब्लॉक कर दिया है इसलिए। जैसा कि आप देख सकते हैं दोबारा, अगर ये बताया कि नया अपडेट आ गया है मतलब आपने जो कमांड दिए थे वो सही से दिए थे, इसको आप फिर से करें। हमारा अच्छे स्टॉल हो गया है, ये हमारा ओमनी एक्सपी। और इसमें अब हम टेड हॉटस्पॉट को इंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। और इसका क्रेडिट जाता है मोहम्मद मोज को क्योंकि इनकी वेबसाइट से मैंने ये सारा ट्यूटोरियल किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।